બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને મહિન્દ્ર હોલિડેઝના આપણે રિઝલ્ટ આવતા જોયા. એક રેવન્યુમાં આપણે 63% વધારો જોઈ રહ્યા છીએ, એબિટામાં 278% આપણે એક વધારો જોઈ રહ્યા છીએ, ઓપરેટિંગ માર્જિન 16.8% પર વર્સિસ 7.3% યર ઓન યર બેઝિસમાં. પ્રોફિટમાં કંપની આવી છે 30 કરોડનું વર્સિસ લોસ હતો જે 21 કરોડનો હતો યર ઓન યર બેઝિસમાં. સાથે સેલ્સ અને માર્કેટિંગ એક્સપેન્સીસમાં પણ આપણે 63% વધારો જોઈ રહ્યા છે અને વધારે આપણે ચર્ચા કરીશું મહિન્દ્ર હોલિડેઝના એમડી અને સીઈઓ કવિંદર સિંહ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સર, બહોત સ્વાગત હૈ આપકા સીએનબીસી બજાર મેં, ઓર એક અચ્છે નંબર્સ આપ લેકે યે બાર આયે હૈ. આપકી સ્માઈલ બતા રહી હૈ એક કે કિતના પોઝિટિવ અભી આપકો મિલ રહા હોગા. ઓક્યુપન્સી લેવલ દેખો કે જૈસે હમ સબ લોગ ટ્રાવેલ કર રહે હૈ ઉસકા પૂરા ફાયદા મિલ રહા હૈ. લેકિન પહેલે નંબર્સ અગર બતા સકે આપ લાસ્ટ ક્વાર્ટર કે મેં કૈસે આપને એક બઢોતરી દેખી હૈ. जहां तक नंबर्स का सवाल है, सबसे बड़ी चीज नंबर्स के होती है नंबर्स के पीछे की स्टोरी. नंबर्स के पीछे की स्टोरी यह है कि हमने पीछे 2 साल पैंडेमिक में करीब करीब 800 कमरे ऐड किए 2 फाइनेंशियल ईयर्स में. और नॉर्मली जब हम कमरे ऐड करते हैं तो कॉस्ट ही ऐड होती है, मगर हम लोग उन कमरों को भर पाए ऑलमोस्ट 89% ऑक्यूपेंसी पे. अगर आप 2 साल पीछे जाएं जब प्री पैंडेमिक लेवल पे हमारे पास 3,600 कमरे थे, इस बार हमारे पास 4,600 कमरे हैं. तो हमने ये कमरे 89% ऑक्यूपेंसी पे भरे, जो पुराने प्लस नए कमरे मिला के. प्लस हमारे मेंबर्स ने आके फूड एंड बेवरेज में और तो और हॉलीडेज के जो एक्सपीरियंसेस जो हमने नए डाले हैं उसको भी काफी उसका मजा लिया. उसके चलते हमको रिजॉर्ट की इनकम जो है वो 84 करोड़ के करीब आई एक क्वार्टर में, जो कि हमारी हाईएस्ट एवर इनकम है. अगर स्टैंड अलोन लेवल पे देखूं तो भी हमारी हाईएस्ट एवर इनकम रही, कंसोलिडेटेड लेवल पे भी हाईएस्ट एवर इनकम रही. तो इनकम में काफी बढ़ोतरी हुई और हमने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रखा, चाहे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो चाहे वो रिजॉर्ट कॉस्ट हो. 16 रिजॉर्ट हमारे सोलार पावर्ड हैं और हमने इन सब चीजों के चलते देखा कि हमारा एबिटा मार्जिन कंसोलिडेटेड लेवल पे 18% से 20.7% के करीब करीब पहुंचा और हमारा एबिटा मार्जिन स्टैंड अलोन लेवल पे बहुत ही हेल्दी है 28% पे. अगर हम देखें हमारे दूसरे मेट्रिक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मार्जिन अगर हम देखें तो हमारा 14.9% पे हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन भी रहा. तो हमारी कॉस्ट कंट्रोल में रही, हमारी इनकम कंट्रोल में है. इन सब चीजों को देखते हुए हमारी जो बढ़ोतरी हुई मार्जिन्स में, प्रॉफिट्स में, और सबसे बड़ी चीज है इस क्वार्टर में हमको बेस्ट वर्कप्लेस इन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स का भी खिताब मिला. जी जी सर. और हम अगर देखें तो एक रेवेन्यू का जो आपका अमाउंट है वो काफी ये बार रोबस्ट रहा है और आपने कहा है कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी आपने किए हैं ड्यू टू आपने जो ब्रांडिंग किया है, न्यू बिजनेस बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट ने भी किया है और नए मेंबर्स भी आए हैं. आगे जाके आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी सब ओपन अप हो रहा है और आप जितना एडवर्टाइज करेंगे उतना अट्रैक्शन मिलेगा और लोग तो अभी कहां पे भी ट्रैवल करने के लिए रेडी है, जैसे चांस मिले तो निकल जाते हैं. इवन शॉर्ट वीकेंड्स में भी हो जाता है, लॉन्ग हॉलीडेज भी हो जाती है. कैसे आप इसका फायदा ले रहे हैं और कुछ रेट्स हाई किए हैं, कैसे कैसे आप अभी आगे क्या जाके सिनेरियो देख रहे हैं और मार्जिन्स में कितनी इम्प्रूवमेंट की अभी भी पोजीशन है कि अभी भी जगह है? तो मैं आपका लास्ट क्वेश्चन पहले आंसर करता हूँ. मार्जिन हमारे इस समय वर्ल्ड क्लास मार्जिन हैं, बेस्ट इन क्लास मार्जिन हैं, 15% के करीब. अगर आप देखें प्री कोविड हमारा मार्जिन सिर्फ 10.7% के करीब था. तो अब हमारा फोकस रहेगा मार्जिन को सस्टेन करने का और फर्दर इंप्रूव करने का. वैसे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हर साल हमने 50 से 100 बिप्स मार्जिन भी इम्प्रूव किए हैं. अगर मैं ओवरऑल लेवल पे देखूं कि आगे मैं क्या देख रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं, कुछ ट्रेंड्स देख रहा हूं. मैं ये नोटिस कर रहा हूं, जैसा आपने कहा कि लोग हॉलीडे करने के लिए तैयार हैं और उनको चाहिए कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस. और हमारा ब्रांड जो क्लब महिंद्रा है वो एक कंसिस्टेंट फैमिली वेकेशन का एक्सपीरियंस देता है. और हमने ये भी नोटिस किया कि पैंडेमिक के बाद लोग आउटडोर एक्टिविटीज बहुत करना चाहते हैं, नए नए तरह के खाने खाना चाहते हैं. तो हमने उस पर बहुत फोकस दी है.
तो हमारी दो या तीन जगह पे बहुत फोकस रहेगी आगे चल के। एक तो हमको कमरे तेजी से बढ़ाने हैं, हमारे पास 84 रिजॉर्ट्स हैं, 4600 कमरे हैं और हमने इस क्वार्टर में भी 107 कमरे के करीब ऐड किए, तो हमारा रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रूम एडिशन बढ़ चुका है। दूसरी चीज, हमारे जो मेंबर्स हैं वो भी हमने 3807 के करीब ऐड किए और सबसे बड़ी बात है हमारा एवरेज यूनिट रियलाइजेशन भी 1.9 लाख से 3.8 लाख तक पहुंचा। हालांकि 1.9 लाख थोड़ा सा दबा हुआ था क्योंकि पिछले साल डेल्टा था, फिर भी अगर हम देखें तो हमारा 3.8 लाख के करीब करीब एवरेज यूनिट रियलाइजेशन हुआ। हमारे यहाँ पर मेंबर्स अपग्रेड भी करते हैं, हमको अपग्रेड में भी बहुत मोमेंटम दिखा कि जो मेंबर अपना सीजन अपग्रेड कर रहे हैं या अपार्टमेंट अपग्रेड कर रहे हैं तो वो भी एक इनकम आके हमको वेकेशन ओनरशिप इनकम में भी हमको बढ़ोतरी दिखी। तो हमारी फोकस रहेगी कि इनकम को ग्रो करें बाय एडिंग रिसॉर्ट्स और अच्छे एक्सपीरियंसेस दें जिससे कि हमारी फूड एंड बेवरेज की इनकम और तो और साथ में हमारी एक्सपीरियंसेस की इनकम भी बढ़े। तो इनकम पे बढ़ोतरी दिख रही है, जो हम थोड़ी सी इन्वेंट्री 3-4% मार्केट में डालते हैं जिससे कि हमारे नॉन मेंबर्स आके हमारे मेंबर बन सके, उसमें भी हमने बहुत बढ़ोतरी देखी। हमारा एवरेज रूम रेट एक जमाने में प्री पैंडेमिक 4,500 के करीब होता था, अब 7,000 के करीब तक पहुंच गया है। तो डेफिनेटली इन सब चीजों से हमको फायदा हुआ है और हमने इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए हमने बल्क प्रोक्योरमेंट करी है और बहुत पहले स्टेप्स लिए और हमने प्राइस इंक्रीज पिछले साल नवंबर में भी करी थी और अप्रैल में भी करी है हमारी मेंबरशिप फी की। तो ये हमारे फोकस रहेगा मार्जिन को मेंटेन और एक्सपैंड करने का, हमारा फोकस रहेगा कि हम अपनी इनकम को ग्रो करें और हमारे बिजनेस में सबसे अच्छी चीज ये कि जब मेंबर आते हैं तो वो आके एनुअल फी भी देते हैं, रिजॉर्ट में इनकम भी देते हैं और मेंबरशिप फी भी देते हैं। तो हमारा इनकम फोकस रहेगा कि हम मेंबर एक्सेलरेशन भी करें। जी, मेंबर एक्सेलरेशन हो तो वो तो आप करेंगे और साथ में क्या और भी प्राइस इंक्रीज ऑन द कार्ड्स है और अगर है तो उसका कितना फायदा हो सकता है और क्या उसकी वजह से आपको लगता है कि मेंबर एडिशन थोड़ा लेस हो सकता है क्योंकि पीपल वांट इन लेस मोर एक्सपीरियंस। और दूसरी जो बात मैं पूछना चाहूंगी कि आपने कहा है कि 1,000 रूम आप ऐड करेंगे नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में, उसका प्लान कैसे चल रहा है और ओवरसीज बिजनेस, ओवरसीज रिसोर्ट भी है आपके तो वहां कैसे बिजनेस मिल रहा है? तो जहां तक कि प्राइस इंक्रीजेस का सवाल है, हमने प्राइस इंक्रीजेस ऑलरेडी ले चुके हैं नवंबर में और अप्रैल में, अब हमारा कोई इरादा नहीं है प्राइस इंक्रीज करने का क्योंकि हम मार्जिन में कंफर्टेबल हैं। और हमको एक चीज और भी आती है कि हम प्राइस वैल्यू इक्वेशन को कॉन्स्टेंटली असेस करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो मेंबर्स जब मेंबर बनते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा फायदा होता है इवन इन दीज इन्फ्लेशनरी टाइम्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप हमारे मेंबर बनते हैं तो आपको कमरे का किराया नहीं देना पड़ता अगले 25 साल का, तो एक तरीके से आपका इन्फ्लेशन का प्रोटेक्शन हो गया। एनुअल फी में थोड़ा इन्फ्लेशन बेस्ड इंक्रीज होता है बट वो छोटा अमाउंट है। तो अगर आप देखें तो बिजनेस मॉडल ही ऐसा बना हुआ है कि जिससे कि इन्फ्लेशनरी टाइम्स में हमारे कस्टमर्स को फायदा होता है। जब वो वैल्यू देखते हैं तो हमारे रिजॉर्ट्स में आते हैं, हमारे रिजॉर्ट्स में आते हैं तो अगर हम उनको अच्छे एक्सपीरियंसेस दें, अच्छी फूड एंड बेवरेज ऑफरिंग दें तो वो पे करने के लिए तैयार हैं। और फूड एंड बेवरेज में कॉन्स्टेंटली प्राइस इंक्रीज जैसे जैसे हमको इनपुट कॉस्ट प्रेशर आता है, जो हम बल्क प्रोक्योरमेंट से सेविंग कर सकते हैं करते हैं और नए नए ऑप्शंस देते हैं जिससे कि मेंबर्स चूज कर सकें कि उनको क्या उनको फायदा होगा किस तरह के खाने के एक्सपीरियंस में। बाय द वे मेंबर्स को 25% का डिस्काउंट भी मिलता है जब वो हमारे रिजॉर्ट्स का करते हैं। तो ओवरऑल लेवल पे हम प्राइसिंग में कंफर्टेबल हैं, वैल्यू की तरफ हमारा फोकस है, प्राइसिंग की तरफ इस समय हमारा फोकस नहीं है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, मार्जिन मेंटेन करने की पूरी कोशिश है और थोड़ा इम्प्रूव भी होंगे। जहां तक मैं अगर देख रहा हूं कि हमारा फर्दर एक्सपेंशन की बात, तो हमारा करीब करीब 1200 से 1500 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान चल रहा है। हमको 5,500 कमरे डालने हैं अगले 2-3 सालों में, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चल रहा है कांदा घाट शिमला के पास, 250 करोड़ का नया प्रोजेक्ट शुरू होगा इस क्वार्टर में, हमारे गणपति फूले में एक छोटी सी परमिशन है उसका इंतजार हो रहा है जिससे कि हम सितंबर में ग्राउंड ब्रेक कर सकेंगे। और हमारे पास पुदुचेरी में और हमारा एक और रिजॉर्ट है गोवा में असनोरा जिसको कि हम बढ़ाएंगे कमरे वहां पर। तो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान है, हमारे पास कैश पोजीशन बहुत स्ट्रांग है 1172 करोड़ की, हमको कोई भी लोन लेने की डेट लेने की जरूरत नहीं है। तो उस तरीके से अगर मैं देखूं,
जहां तक मेंबर एक्सेलरेशन का आपने क्वेश्चन पूछा, मेंबर एक्सेलरेशन हमारे यहां पर दो तरीके से हो रहा है। एक तो हम डिजिटल के थ्रू करते हैं और एक रेफरल्स के थ्रू करते हैं। हमारे रेफरल्स में बहुत मोमेंटम आया है, हमारे डिजिटल में भी बहुत मोमेंटम आया है, इसलिए मुझे मेंबर एक्सेलरेशन की तरफ से चिंता नहीं है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्वार्टर में 3,800 के करीब कर दिया है, तो जो पिछले साल का नंबर है 12,700 का, वो तो आराम से बीट होगा और काफी मार्जिन से बीट होगा। तो हमको काफी कॉन्फिडेंस है कि हमारे मेंबर्स नए आएंगे, हमारे नए रिजॉर्ट्स आएंगे और हमारी कंट्रोल पे फोकस की वजह से मार्जिन भी होगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। जी, ऑन दैट नोट आपको ऑल द वेरी बेस्ट, और अगला क्वार्टर हम इससे भी पावरफुल देखें, उसी आशा से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। અને એ સાથે જ એક બ્રેક નો પણ સમય થઈ ગયો છે, તો એક ક્વિક બ્રેક લઈશું અને પાછા ફરીશું, પણ મીન ટાઈમ તમે મહિન્દ્રા હોલીડેઝ આપણે અત્યારે આજે 1% નો ઉછાળો એકાઉન્ટમાં જોઈ શકીએ છીએ, જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે।